हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 17 के तत्व तक आपको कंप्लीट कर दिया गया है, पढ़ा दिया गया, आप वीडियो में देख सकते हैं। आइए वर्ग 18 के तत्व देख रहे हैं। पी ब्लॉक आप पढ़ रहे हो, यह वर्ग 18 के तत्व जो है पी ब्लॉक का लास्ट है। वर्ग 18 के तत्व, तो वर्ग 18 के तत्व में कौन कौन रखे गए हैं? तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रिडान और ओगानेशन, ठीक है, इतने तत्व जो हैं वर्ग 18 में रखे गए हैं। तो वर्ग 18 में सबसे ऊपर रखा गया है आपका हीलियम, उसके नीचे है नियान, उसके नीचे आर्गन, उसके नीचे क्रिप्टान, फिर जिनान, रिडान और सबसे नीचे है आपका ओगानेशन, ठीक है। ये सभी गैसें हैं। तो वर्ग 18 के जो भी तत्व होते हैं वे सब गैस होते हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रिय हैं, ठीक है। तो वर्ग 18 के सभी तत्व गैसे होते हैं, रासायनिक रूप से इनर्ट होते हैं, किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये बहुत कम यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अगर अभिक्रिया भी करते हैं तो बहुत कम यौगिक बनाते हैं, इसी कारण इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है, इनर्ट गैसें कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वर्ग 18 में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रिडान और ओगानेशन को रखा गया है। ये सभी गैस हैं, रासायनिक रूप से अक्रिय हैं, ये बहुत कम यौगिक बनाती हैं, इसी कारण इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, ठीक है। आइए इनके उपलब्धता के बारे में जानते हैं, ऑकरेंस के बारे में, यह जो गैसें हैं कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखें ध्यान से, रिडान तथा ओगानेशन के अलावा, ठीक है, रिडान और ओगानेशन को अगर छोड़ दिया जाए, रिडान तथा ओगानेशन के अतिरिक्त अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो रिडान और ओगानेशन के अलावा अन्य सभी गैसें जो हैं वे उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। आयतन के अनुसार इनकी शुष्क वायु में बहुल्यता लगभग 1% है, ठीक है। तो आयतन के अनुसार अगर इनको शुष्क वायु में इनकी मात्रा देखा जाए तो इनकी जो बहुल्यता है वह लगभग 1% होती है, जिसमें आर्गन प्रमुख अवयव है, ठीक है। तो जो 1% पाया जाता है इनर्ट गैसों को वायु में, उसमें सबसे अधिक कौन सी गैसें होती हैं? आर्गन होती हैं। हीलियम तथा कभी कभी नियान रेडियोधर्मी उत्पत्ति के खनिजों में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं हीलियम जो है तथा कभी कभी नियान भी जो है रेडियोधर्मी जो उत्पत्ति के खनिज होते हैं उनमें यह पाए जाते हैं, जैसे पिच ब्लैंड, मोनेजाइट, क्लीवाइट, ठीक है। तो यह सब रेडियोधर्मी खनिज हैं, इनमें हीलियम तथा कभी कभी नियान जो है पाए जाते हैं। हीलियम का मुख्य औद्योगिक स्रोत प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो हीलियम का जो मुख्य रूप से प्राप्त होता है वह किससे मिलता है? प्राकृतिक गैस से मिलता है। तो हीलियम का मुख्य औद्योगिक स्रोत प्राकृतिक गैस है। जिनान तथा रिडान इस वर्ग के दुर्लभतम तत्व हैं। तो जिनान और रिडान जो हैं वे वर्ग 18 के दुर्लभतम तत्व हैं। रेडियम के विघटन उत्पाद की तरह रेडान प्राप्त होता है। तो रेडियम जब टूटता है तो जो आपका विघटन उत्पाद प्राप्त होता है वह रेडान के रूप में प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखें, रेडियम यह टूट रहा है जिससे रेडान आपको प्राप्त हो रहा है। ओगानेशन का संश्लेषण CF और CA आयन के संगठन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ओगानेशन का निर्माण कब होता है? तो जब CF और CA आयन आपस में टकराते हैं तो ओगानेशन बनता है। ओगानेशन का संकेत OG होता है, ठीक है। ओगानेशन का संकेत आपका कैपिटल O स्मॉल G है। ओगानेशन की परमाणु संख्या 118 होता है। इसका परमाणिक द्रव्यमान 294 ग्राम पर मोल है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडान 5P14, 6D10, 7S2 और 7P6 है। ओगानेशन की केवल अल्प मात्रा ही बन पाई है, ठीक है। ओगानेशन की केवल अल्प मात्रा ही बन पाई है। इसकी अर्धाई केवल 7 मिलीसेकंड होती है, ठीक है। इसलिए इसके रसायन का मुख्यतः पूर्व अनुमान ही लगाया गया है। ओगानेशन के रसायन का जो है केवल पूर्व अनुमान लगाया गया है। क्यों जो है? क्योंकि इसकी जो अर्ध आयु है केवल 7 मिलीसेकंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओगानेशन को छोड़कर वर्ग 18 के जो अन्य तत्व हैं उनके महत्वपूर्ण परमाणुक और भौतिक गुण के बारे में पहले जो है एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में एक साड़ी के रूप में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो यह था आपके वर्ग 18 के तत्व के परिचय के बारे में और उपलब्धता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको
वर्ग 18 के तत्वों के परमाणु और भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।